तो इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपने कोई मोबाइल को खरीदना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं, बट आपके पास थोड़ा सा अमाउंट कम है, या आप अमेज़न के पे लेटर को यूज़ करते हो, तो इस वीडियो में बताऊंगा कि आप अमेज़न पे लेटर से मोबाइल को बाय कर सकते हो। कंफ्यूज मत होइएगा, आपको ऐसा लग रहा हो कि अमेज़न पे से तो मुझे पता ही है कि हम बाय कर सकते हैं, लेकिन आपको ऐसा लग रहा होगा कि अगले महीने सारे पेमेंट कर देना है, बट ऐसा नहीं है। आप उस पे लेटर को ना ईएमआई में कन्वर्ट करके आप पे कर सकते हो। जैसे कि आप डेबिट कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड हो, अगर आप किसी भी तरीके से ईएमआई पर कोई प्रोडक्ट को लेते हो, तो आपको पता होगा कि हम उसका किस्त मतलब जमा करते हैं, 1 महीने 2 महीने 6 महीने 9 महीने 12 महीने ऐसे किस्त होता है। तो उस तरीके से आप अमेज़न पे लेटर बैलेंस को भी ना वहाँ पर स्पेंड करके किस्तों में दे सकते हो। अभी आपको ये चीज़ आइडिया नहीं है तो आप इस वीडियो कंप्लीट देखिए, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। उससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दो, अपने को मोटिवेशन मिलता है इस तरह कंटेंट क्रिएट करने के लिए। और कोई क्वेरीज हो, कन्फ्यूजन हो, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप साइड में मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्डिंग को देख सकते हो। मैंने सबसे पहले मोबाइल स्क्रीन रिकॉर्डिंग ओपन किया ताकि आप लोगों को अच्छे से मैं लाइव यहाँ पर करके दिखा पाऊँ वो चीज़। अब अमेज़न को मैंने ओपन कर लिया, ठीक है। अमेज़न ओपन करने के बाद मैं यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट ले लेता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ले लेता हूँ, ठीक है, G9 है IQ का। हालांकि मुझे बाय नहीं करना है, मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद जस्ट यहाँ आपको मिलेगा बाय नाउ का ऑप्शन, बाय नाउ पे हम टैप करेंगे। उसके बाद पेमेंट पेज आपके स्क्रीन पर शो हो जाएगा। अब पेमेंट पेज पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अमेज़न पे लेटर यहाँ पे शो होगा, देख सकते हैं। अगर आप अमेज़न पे लेटर यूज़ कर रहे होंगे तो आपको अमेज़न पे लेटर यहाँ पे शो होगा। अब इस पर टैप करेंगे, इस पर टैप करेंगे ना तो यहाँ पे एक बॉक्स ओपन हो जाएगा, देख सकते हो। इस बॉक्स में क्या लिखा हुआ है कि अगर आप इस बैलेंस से प्रोडक्ट को बाय करते हो तो आपको अगले महीने 5 तारीख से पहले इस पेमेंट को रीपेमेंट करना होगा। ये चीज़ आपको पहले से पता है, बट हमें तो किस्त बनाना है, ईएमआई में पे करना है, ताकि हमें ज़्यादा एक ही बार लोड ना है, मैं 5-5 8 10 10 करके ऐसे पे कर पाऊँ। तो इसके लिए आप इस बॉक्स पर सिंपल सा टैप करेंगे। इस बॉक्स पर जैसे आप टैप करेंगे ना तो यहाँ पर देखेंगे तो सबसे इंटरेस्टिंग मुझे क्या लगा कि यहाँ पर देख सकते हो आपको मतलब अलग अलग टाइप का यहाँ पे ईएमआई जनरेट खुद हो चुका है, 9 महीने का और 12 महीने का। मतलब यहाँ पे सिर्फ 2 ही ऑप्शन मिल रहा है, एक तो है ये वाला जिसमें नो कॉस्ट ईएमआई है, जो कि आपको अगले महीने 5 तारीख को सारे पेमेंट करना होगा एक ही बार। बट इसको आप मत करना क्योंकि आपके पास थोड़ा पैसा कम है, तो आप इस 9 महीने को सिलेक्ट कर लो। इसमें क्या होगा कि 2450 रुपये आपको हर महीने पे करना होगा, कितने दिन तक, 9 महीने तक। आप इसको सिलेक्ट करोगे इस तरीके से ना, सिलेक्ट करोगे एंड उसके बाद आपको चूज़ ईएमआई प्लान पर क्लिक करना है। अब जैसे आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद अब नीचे आपको मिल जाएगा कंटिन्यू, जस्ट आपको कंटिन्यू पे टैप करके अपना पेमेंट को सक्सेस कर लेना है। उसके बाद कंटिन्यू पे टैप करोगे आपका पेमेंट डन हो जाएगा। जैसे आप नॉर्मल प्रोडक्ट मंगाते हो ना, उस तरीके से यही प्रोडक्ट आपके घर पर मतलब कुरियर के द्वारा आ जाएगा। उसके बाद आपको ईएमआई वहाँ पे आपको जो टाइम मिलेगा उस टाइम पर आप ईएमआई को पे करते रहिएगा। आप अमेज़न पे लेटर को मतलब वहाँ पे कोई भी डिले नहीं होगा। हाँ, यहाँ पे जो थोड़ा सा प्राइस होगा ना वो थोड़ा सा कॉस्टली होगी, मतलब ज़्यादा नहीं, आपको मतलब 2000 तक थोड़ा एक्स्ट्रा लगेगा, बट हाँ आप 9 महीने तक इसको पे कर सकते हो। तो अगर आपको ये आइडिया पहले से पता था या नहीं तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो की ही पेंड करना, फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।